चलिए आज हम सब अपनी जो क्लास 12th की फिजिक्स है उसको स्टार्ट करेंगे और हर एक चैप्टर की आप सबको बच्चों पूरा परिभाषा क्लियर रूप से आपको मिलेगी। बस आप नोट्स बना लीजिए और उसके बाद मेरे साथ मिनात कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। जो क्लास 12th है इसका पहला चैप्टर वैद्युत आवेश के बारे में हमें पढ़ना है। वैद्युत आवेश को जानने से पहले आप जान लीजिए कि आपको क्लास 12th की फिजिक्स में केवल आवेशों के बारे में अध्ययन करना है, केवल आवेशों के बारे में अध्ययन करना है और किसी के बारे में अध्ययन नहीं करना, केवल आवेशों के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जो फर्स्ट पेपर है इसमें केवल आवेश ही है, इसको हम अध्ययन करेंगे आवेशों के बारे में। देखिए वैद्युत आवेश, आप सब इसको अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी चीज की जब उत्पत्ति होती है या कोई चीज हमें बताई जाती है या किसी घटना के बारे में हमें जानकारी मिलती है तो वो कोई हम सब में से कोई उठकर जाता है और बता देता है, नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है। जैसे न्यूटन थे, न्यूटन ने किया क्या, थोड़ा सा देखिए पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि बस हम मौन धारण कर लें आराम से, बस केवल रटते रहें, रटना उतना पढ़ाई नहीं है। अरे रट लोगे ट्वेल्थ के बाद, जब आगे आप सब करेंगे ना बहुत आपको पश्चाताप होगा कि यार जितना डिफिनेशन रटे थे सब पल्ले नहीं पड़े, तो रटना छोड़ दो बिल्कुल। हम रट कर किसी चीज को तैयार नहीं कर सकते, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए और कुछ नहीं। तो देखिए जो है अभी मैं बता रहा था कि न्यूटन के बारे में, तो न्यूटन भी अगर देखा जाए तो उनका जो विचार था, उन्होंने कहा कि एक मैं जब गुरुत्वाकर्षण की खोज कर रहा था तो एक सेब का वृक्ष था, उसके नीचे मैं लेटा हुआ था, उसमें से एक सेब का फल टूटा और मेरे सर पर गिरा, मेरी अचानक आँख खुली, ओ ये क्या हो गया, उठे उसके बाद जो है देखे कि वो सेब ये तो टूटा वृक्ष से और मेरे सर पर गिरा। तो उन्होंने विचार किया, सोचा, ये नहीं कि आप सबकी तरह एक से गिरा तो उसको लेकर खा लिए बस उसके बारे में सोचे, नहीं ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि बस एक सेब गिरा उसके नीचे लेटे थे, अरे यार एक सेब गिरा लाओ इसको खा लेते हैं, खत्म हो गया। उन्होंने विचार किया, विमर्श किया कि आखिरकार ये सेब टूटा और ये नीचे गिरा, ये केवल एक कहावत है, सत्यता नहीं है जहां तक मुझे लगता है। आपको ऐसे कहानी के तौर पर समझाने के लिए बताया गया कि हाँ ऐसा होता था, मतलब उन्होंने ऐसे खोजा था गुरुत्वाकर्षण। तो जो है जब सेब टूटा और सेब टूटने के बाद न्यूटन के सर पर गिरा तो न्यूटन हकबका कर उठे, ये क्या हो गया भाई, कहाँ से ये ऊपर से गिर पड़ा, इतना अच्छी खासी नींद थी। और जानते हो ना जब नींद लगी रहती है और कोई आकर उठाता है ना बहुत तेजी के साथ गुस्सा लगती है, सही बात है नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो जो है जब सेब टूटा, टूटने के बाद न्यूटन के सर पर गिरा तो न्यूटन हकबका कर उठे और उठने के बाद देखे कि यार ये सेब जो था नीचे आया। उन्होंने फिर विचार किया, बच्चों विचार किया, आप सबकी तरह नहीं थे वो नालायक कि बस सेब टूटा, टूटने के बाद उसको गपागप खा लिए। उन्होंने विचार किया, सोचा, देखिए कितना दिमाग अपना उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि अगर ये सेब ऐसे टूटा होता, मतलब वो सोच रहे थे, ऐसा बहरहाल होता नहीं है, सेब अगर ये टूटता और टूटने के बाद अगर ये नीचे नहीं गिरता ऐसे ऊपर चला जाता तो क्या बात थी, मैं आराम से बिंदास सोता रहता, दिक्कत क्या आने वाली थी, सही बात ही नहीं। तो लेकिन ये सेब टूटा, टूटने के बाद नीचे ही गिरा, यानी कि ये है इस सेब को नीचे की तरफ किसी ने पकड़कर खींचा, तो वहां तो कोई मनुष्य भी नहीं था, न्यूटन तो सो रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये सेब नहीं, अगर मैं किसी वस्तु को ऐसे ऊपर की तरफ फेंकूं तो ये नीचे ही गिरता है। इसका मतलब उन्होंने अपना दिमाग लगाया और कहा ये सारी कलाकारी हमारी पृथ्वी कर रही है, मतलब ये प्रत्येक वस्तुओं को अपनी तरफ खींच रही है और जिस बल से खींच रही है उन्होंने उसका नाम दे दिया कि ये गुरुत्वाकर्षण बल है। आप सबकी तरह नहीं थे सेब खाली खत्म हो गया, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। सोचो क्या न्यूटन के पहले अगर कोई सोता तो क्या सेब अगर टूटता उस वृक्ष से तो नीचे नहीं क्या ऊपर चला जाता, क्या न्यूटन के पहले भी सेब टूटता तो नीचे ना आता था,
लेकिन न्यूटन ने इसके बारे में विचार विमर्श किया, ठीक है, आप सबकी तरह नहीं थे, खा लिए, बात समझिए। तो ये गुरुत्वाकर्षण, अर्थात कोई व्यक्ति हमसे में से उठता है ऐसे और जाकर बता देता, नहीं ये इस कारण हो रहा है। देखते हम सब भी हैं, बस हमारे पास केवल यही नहीं रहता कि केवल विचार करें, सोचें। सोचोगे तुम सब, लेकिन उल्टी सीधी बात सोचोगे, सही बात कभी नहीं सोचोगे। चलिए देखते हैं, तो वैद्युत आवेश पढ़ा जाए, टाइम ज्यादा लास्ट नहीं करेंगे, जो है अपनी परिभाषा को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज से, आज की बात नहीं है, अभी इसके पहले मैंने बताया ना कि कोई भी घटना होती है या कोई भी हमको नई चीज मिलती है तो हम सब में से कोई उठकर जाता है और उसको बता देता है। तो ये आज की बात नहीं कि वैद्युत आवेश आज का है, आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व यूनान देश के एक दार्शनिक थे, थेल्स। उन्होंने देखा कि अंबर एक पदार्थ है, जब अंबर को फर से रगड़ा गया, जब अंबर को फर से क्या किया गया, इसको रगड़ा गया, तो इस अंबर में अपने आप कागज के छोटे टुकड़ों, बालों, तिनकों आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया। मतलब जब अंबर को फर से रगड़ा गया तो ये जो अंबर नामक पदार्थ था, ये कागज के छोटे टुकड़ों, बालों, तिनकों आदि को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। इसको किसने देखा? यूनान देश के एक दार्शनिक थे, थेल्स। बात समझिए, दार्शनिक और वैज्ञानिक में अंतर होता, दोनों एक ही नहीं है। दार्शनिक का मतलब क्या होता है? दार्शनिक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं हम एक दार्शनिक, बहरहाल इतने महान नहीं है कि हम एक दार्शनिक हो जाएंगे, ठीक है, बहुत छोटे हैं अभी हम। तो दार्शनिक का मतलब क्या होता है? दार्शनिक का मतलब होता है किसी घटना को देखकर उसको बता देना किसी को, या उसको लिख देना। मतलब कोई घटना घट रही है, उसको देखना, देखकर उसको लिख देना, वो दार्शनिक का काम है। लेकिन वैज्ञानिक क्या होता है? कोई घटना घट रही है, क्यों घट रही है, कैसे घट रही है, सबका बायोडाटा निकाल कर उसको सत्यापित करना, प्रयोग करना, प्रेक्षण करना, उसके बाद उसको लिखना, वो वैज्ञानिक का काम है। दार्शनिक बहुत कामचोर आदमी होते हैं, बस देखे, देखने के बाद ऐसे बता दिए ऐसा हो रहा है, बस खत्म, उनका काम एकदम खत्म हो गया ना। चलिए, तो दार्शनिक थे यूनान देश के, इन्होंने देखा 2600 साल पहले कि अंबर को जब फर से रगड़ा गया तो ये कागज के छोटे टुकड़ों, बालों, तिनको आदि को आकर्षित करने लगा, मतलब अपनी तरफ खींचने लगा। अंबर को यूनानी भाषा में इसको इलेक्ट्रॉन कहा गया, अंबर पदार्थ को इसको क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन कहा गया। अगर जो है यूनानी भाषा में इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, तो इतना 2600 वर्ष पहले सारा इतना काम हो गया था, मतलब इतना जो है थेल्स ने बता दिया था लोगों को कि अंबर के पदार्थ को फर से रगड़ते हैं तो कागज के छोटे टुकड़ों, बालू, तिनको आदि को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, तो यूनानी भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब बात आती है 1600 ईस्वी, मतलब हाँ वही जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई नहीं थी अपने भारत पर राज करने, ना पूरा भारत देश को खोखला करके चले गए वो सब इंग्लैंड वाले जो अंग्रेजी थे, क्या किया जाए, अपने देश के लोग ही वैसे थे ना, एकता नाम की चीज नहीं थी। चलिए देखते हैं, 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के ही एक वैज्ञानिक थे गिलबर्ट, कहाँ के थे? इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे गिलबर्ट, इन्होंने बताया कि जो अंबर को रगड़ा गया और जो कागज के छोटे टुकड़ों, बालों, तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, उसके अंदर जो गुण आया था रगड़ने के कारण, उसका इन्होंने नामकरण किया। मतलब जैसे हम सबका नाम हमारे पेरेंट्स रखते हैं ना, कि किसी का नाम ये है, उसी का नाम लेकर बुलाएंगे। मैं तो क्लास में आपके सर जी
जो है किसका नाम लेकर बुलाएंगे, अगर आपको कहेंगे कि आपको बुलाना है तो नाम किसका लेंगे ना। अब सांकेतिक भाषा थोड़ी है कि तुम इधर आओ, बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो नाम जरूरी है ना। तो इन्होंने गिलबर्ट ने, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे गिलबर्ट, इन्होंने इसका नामकरण किया कि जो ये अंबर था, जो ये आकर्षित कर रहा था अपनी ओर खींच रहा था, इसका नाम इन्होंने रख दिया कि नहीं, इसके अंदर जो गुण आया उसको इन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक्स है, इलेक्ट्रिकस है, इलेक्ट्रिकस। इसके अंदर जो गुण आया इसको इन्होंने कहा कि नहीं ये इलेक्ट्रिकस है। क्या है? इलेक्ट्रिकस है। और बाद में इसका संगत नाम वैद्युत और विद्युत पढ़ा, ठीक है, इन्होंने रखा वैद्युत और विद्युत, इसका संगत नाम रख दिया उन्होंने जो है कि वैद्युत और विद्युत है, ठीक है। तो चलिए इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा करते हैं ले लिया होगा आप सबने। चलिए तो देखिए, ये 1600 ईस्वी में इतना जो है गिलबर्ट ने बता दिया कि नहीं, जो इसके अंदर गुण आया था उसको इन्होंने कहा कि नहीं ये इलेक्ट्रिकस है, यानी कि वैद्युत और विद्युत है। फिर उसके बाद वैद्युत शब्द की उत्पत्ति गिलबर्ट ने की, तो वैद्युत में क्या बताया गया, उन्होंने क्या बताया वैद्युत में, वैद्युत में बताया अर्थात इलेक्ट्रिक जो है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक किस पंछी का नाम है, कहां से आया। देखो वैद्युत क्या है, वैद्युत विज्ञान की एक प्रकार की शाखा है, मतलब जैसे पेड़ होता ना, पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, उसी तरीके से वैद्युत भी विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है, मतलब एक छोटी सी डाल है। विज्ञान इतना बड़ा है कि हम जब से विज्ञान, अगर कहा जाए साइंस, क्या ये एक सब्जेक्ट है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि विज्ञान एक सब्जेक्ट है। क्यों? अगर हम विज्ञान का मतलब क्या होता है, विज्ञान का मतलब होता है स्टडी ऑफ मेथड, या मेथड ऑफ स्टडी बोल सकते हैं इसको, मेथड ऑफ स्टडी मतलब पढ़ने का तरीका विज्ञान है। विज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं है कि विज्ञान एक हमारा सब्जेक्ट है, नहीं। आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी के पढ़ने का आपका तरीका, इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश के पढ़ने का तरीका है ना, आप संस्कृत पढ़ते हैं उसके पढ़ने का तरीका है। तो हर एक चीज के पढ़ने का तरीका ही विज्ञान है, विज्ञान मेथड ऑफ स्टडी, ठीक है ना। तो विज्ञान किसी प्रकार का सब्जेक्ट नहीं है, और विज्ञान सब्जेक्ट होता तो मुझे बताइए ऐसे रहता ना, जैसे रहता सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। क्या सामाजिक विज्ञान एक विज्ञान है? अगर सब्जेक्ट मानते हैं कि नहीं विज्ञान है, तो ये सामाजिक के बगल क्या कर रहा है, इसका कहां से काम आ गया? ये तो सामाजिक के बारे में था, मतलब समाज के बारे में अध्ययन करना, समाज के बारे में जिस तरीके को अपनाकर अध्ययन करना वो सामाजिक विज्ञान है। यानी कि विज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं है, विज्ञान मेथड ऑफ स्टडी, पढ़ने का एक तरीका है, ठीक है, भूल जाइए कि यह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। तो देखिए वैद्युत क्या है, वैद्युत यानी कि विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, जिसके अंतर्गत हम आवेशित वस्तुओं, आवेशित वस्तु किसे बोलेंगे, जब अंबर को रगड़ा गया तो अंबर में एक ऐसा गुण आया जिसके कारण वो क्या करने लगी, वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगी या प्रतिकर्षित करने लगी। तो जो ये गुण आया उस गुण को वैद्युत यानी कि आवेशित वस्तु कहा गया। क्या कहा गया? आवेशित वस्तु। रगड़ने के कारण जो गुण आया उसको आवेशित वस्तु कहा गया, रगड़ने के कारण उसमें जो गुण आया उसको आवेशित वस्तु, यानी कि जो गुण उसमें उत्पन्न हो गया है वो आवेशित वस्तु हो गई, मतलब कहा गया किसने आवेश धारण कर लिया है। तो वैद्युत क्या है? वैद्युत भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आवेशित वस्तुओं, अंबर का अध्ययन कर रहे थे ना, अंबर ही तो बाल तिनके कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, वही तो कर रहा था। तो अंबर क्या हुआ था रगड़ने पर? आवेशित हो गया था। तो उसी तो अध्ययन कर रहे थे कि किसी और का अध्ययन कर रहे थे? नहीं, उसी का अध्ययन कर रहे थे ना। तो वैद्युत क्या है? वैद्युत विज्ञान की यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आवेशित वस्तुओं तथा उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल का जो है अध्ययन किया जाता है। तो वैद्युत भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आवेशित वस्तुओं तथा उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल का अध्ययन किया जाता है। तो अभी वैद्युत बल क्या है? वैद्युत बल क्या है?
है इसको समझेंगे। देखो जब अंबर को रगड़ा गया तो अंबर को रगड़ने पर ये क्या किया, अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगा या प्रतिकर्षित करने लगा। आकर्षित का मतलब होता है खींचना, प्रतिकर्षित का मतलब होता है दूर भगाना। बात समझ में आ रही नहीं? ठीक है, तो जो आकर्षित है और जो प्रतिकर्षित है इसके अंदर ऐसा गुण आ गया कि आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगा अंबर। ठीक है, तो जो इसके अंदर गुण आया और जिस के कारण ये आकर्षित और प्रतिकर्षित कर रहा है एक बल से करेगा ना, तो उसे हम यहां पर बल ना कहकर उसको हमने क्या कहा, ये वैद्युत बल है। ठीक है, कौन सा बल है, वैद्युत बल है। बात समझ में आ रही नहीं? चलिए, तो वैद्युत क्या है, वैद्युत भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आवेशित वस्तुओं तथा उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल का अध्ययन किया जाता है। तो ये वैद्युत की परिभाषा हो गई। चलिए आगे, अब हम हेडिंग डालते हैं वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से तो हमारी फिजिक्स स्टार्ट होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो वैद्युत आवेश क्या है, जो थेल्स थे, थेल्स ने यही बताया था कि अंबर को जब रगड़ा जाता है तो ही वो कागज के टुकड़े को और सबको अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगता है। लेकिन लोगों ने देखा कि नहीं, ये तो कुछ और हो रहा है, यानी कि अंबर को ही नहीं अन्य पदार्थों जैसे कांच की छड़ हो गई, आबनोश हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन सबको भी अगर हम रगड़ते हैं तो ये सब भी अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इसका मतलब केवल अंबर में ऐसा गुण नहीं है, और सब वस्तुओं में भी है। बात समझ आ रही नहीं? और सब वस्तुओं में भी है ऐसा गुण है कि रगड़ोगे तो ये आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। बात समझ में आ रही? तो देखो वैद्युत आवेश क्या है, ये सभी वस्तुओं के लागू होता है। तो वैद्युत आवेश क्या, वैद्युत आवेश इसकी जो डिफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, क्या है कि जब किसी वस्तु को या जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, ठीक है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वे वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती हैं। ठीक है, रगड़ने के कारण इसमें जो गुण आता है उसको हम वैद्युत आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम वैद्युत आवेश बोलते हैं। इस वैद्युत आवेश को हम क्यों से प्रदर्शित करते हैं, इसका नाम हो गया। अब नहीं तो सवाल अभी हमें दी जाएगी कि एक वस्तु है या एक चालक है, उसमें 5 कूलाम का आवेश है, तो वहां पर ऐसे थोड़े लिखेंगे कि वैद्युत आवेश बराबर 5 कूलाम, बड़ा हो जाएगा, टाइम भी ज्यादा खाएगा ना, और उसके बाद हमारा स्थान भी ज्यादा लेगा, रफ खूब जल्दी चुभ जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसको एक छोटे से अक्षर में अंग्रेजी के लिख दिया गया कि नहीं, इसको हम क्यों से दर्शाएंगे, नाम जानते रहेंगे, क्यों का मतलब है वैद्युत आवेश। जो क्यों होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है प्लस माइनस सेमी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्यों बराबर प्लस माइनस सेमी, ये आता क्या है से? क्लास टेंथ में तुम सब ऐसे पढ़े रहे होगे ना, क्यों बराबर एमी, 500 सवाल लगाए होंगे इस पर, लेकिन एक भी प्रकार से सोचे नहीं होंगे कि ये क्यों बराबर एनी आया कहां से ना। चलिए आज हम सब इसको पढ़ते हैं, मैंने बताया हर एक टॉपिक पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आप फेयर कॉपी बनाइए और उसके बाद आपको हर एक टॉपिक मिलेगा, हर एक सवाल मिलेगी, बिल्कुल दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। और बच्चों अगर आपको मैं बुक की बात करूं, थोड़ा सा एक मिनट मैं लूंगा बुक को बताने के लिए, क्योंकि काफी बच्चे पूछते हैं सर जो है मैं कौन सी बुक से पढ़ाई करूं, तो मुझे लगता है कि आप सबके लिए सबसे जो बेस्ट बुक है, बेस्ट गुड बेटर नहीं, बेस्ट सबसे अच्छी जो बुक है मुझे लगता है वो एनसीईआरटी बुक है। काफी बच्चे मुझसे कहते हैं नहीं सर एनसीईआरटी थोड़ा सा कम सही, उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, कुमार मित्तल की बुक है वो, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छे समझ में आती है। हाँ मैं कुमार मित्तल की बुक जानता हूं अच्छे तरीके से, पता है कि कुमार मित्तल एक ऐसी बुक है जो हिंदी मीडियम में, यानी कि जो आपका ये यूपी बोर्ड है हिंदी मीडियम है, इस हिंदी मीडियम में सबसे आसान सबसे सरल भाषा में कुमार मित्तल बुक जो है लिखी गई है। आप उसके हर एक डिफिनेशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जो उसके न्यूमेरिकल्स हैं, आप पहला न्यूमेरिकल लगाते हैं कुमार मित्तल की, उसी पहले न्यूमेरिकल पे 4-5 न्यूमेरिकल और दे देगा, तो इससे बुक मोटी हो जाती है। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं है, एनसीईआरटी में आप पहला क्वेश्चन लगाए, पहले क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, अलग टॉपिक पकड़ लिया, सबका मेथड अलग अलग, ये नहीं कि पहले के बाद दूसरा भी वही है, बिल्कुल नहीं। तो आपके लिए सबसे अच्छी बुक मेरे हिसाब से पड़ेगी एनसीईआरटी, आप उसको बढ़िया से पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, मैंने भी उसको पढ़ा है, बहुत अच्छी बुक है वो। तो चलिए देखते हैं
क्यू बराबर प्लस माइनस से नहीं होता है, और जो आवेश है आवेश का मात्रक कूलम होता है। ठीक है, देखिए क्यू बराबर प्लस माइनस से नहीं होता, कहां से होता है? देखिए जो अंबर है या जो प्लास्टिक है, जो मान लेते हैं कांच की छड़ है, ये सभी वस्तुएं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती हैं। सभी वस्तुएं इस ब्रह्मांड में, सभी वस्तुएं जिनका निर्माण हुआ है, सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। तो ये जो छोटे छोटे कण है ये भी किसी से मिलकर बनते हैं, और ये जिससे मिलकर बनते हैं उसको हम परमाणु कहते हैं, और ये परमाणु भी तीन मूल कणों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो परमाणु होता है इस परमाणु का जो केंद्र रहेगा, इस परमाणु का जो केंद्र होगा आपका भी केंद्र होगा। ठीक है, तो इस परमाणु के जो केंद्र है इसके केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इसके चारों इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। इसको तुम सबने पढ़ा ही होगा ना, हाँ केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा इलेवेंथ में ना। तो देखिए आपको कहा जाता है कि जो परमाणु है इस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन को कभी कभी कुछ जो है बच्चे बोल देते हैं कि न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है, नहीं इसको हम विद्युत उदासीन कण नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ विद्युत उदासीन कण नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि देखिए आप परमाणु को क्या बोलते हैं, परमाणु को विद्युत उदासीन बोलते हैं। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है, इसको आप विद्युत उदासीन कह रहे हैं। इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर रहेंगे धारा प्रवाह नहीं होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है और जो इसमें प्रोटॉन है, इसमें तो माइनस आवेश है, इस पर प्लस आवेश है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, जब न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं प्लस माइनस, तो आप इसको कैसे विद्युत उदासीन कह सकते हैं? आप इसको केवल उदासीन कण बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विद्युत का अर्थ समझ लो, आप सब याद करने के लिए याद, विद्युत का मतलब होता है माइनस प्लस। ठीक है, क्योंकि किसी भी वस्तु का आवेशित होना या अनावेशित होना वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनों पर। इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो वस्तु धनावेशित होगी, इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आएगा तो वस्तु धना ऋणावेशित हो जाएगी। बात समझ नहीं, मतलब आने और जाने का काम केवल इलेक्ट्रॉन का है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो एकदम राजा आदमी है, वहीं पर बैठे रहेंगे, बाहर कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन जाता है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन मान लेते हैं हमारे पास 10 है, तो ये दोनों इक्वल है, दोनों क्या है? इक्वल, दोनों बराबर है। अब मान लेते हैं कि जब हम इसको रगड़ते हैं तो वस्तु से केवल इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, ना कि और। इसको मैंने बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दादा है, ये बैठे रहेंगे अपना स्थान पर, छोड़ेंगे नहीं अपनी सीट। ठीक है, तुम जाकर पीछे बैठो, ठीक है ना। तो देखो इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि रगड़ा गया तो उससे इलेक्ट्रॉन एक बाहर चला गया, मान लेते हैं हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन था और 10 प्रोटॉन था, तो ये दोनों की संख्या बराबर थी। जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया आपका, तो मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन बचा और मेरे पास प्रोटॉन 10 प्रोटॉन बचा। अब किसकी संख्या ज्यादा हो गई? प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गई, अब ये राजा आदमी बन गया। तो प्रोटॉन पर धनावेश होता है, तो जो परमाणु है ये क्या हो गया? धनावेशित हो गया। परमाणु क्या हो गया? धनावेशित हो गया। बात समझ रही नहीं? तो जब परमाणु धनावेशित हो गया तो इसको क्या कहा गया कि वस्तु आवेशित हो गई है। क्या कहा गया? वस्तु आवेशित। जब परमाणु धनावेशित या ऋणावेशित होगा तब इसको कहा जाएगा कि यह वस्तु आवेशित हो गई है, यानी कि वैद्युत आवेश है। तो वैद्युत आवेश को हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों से दर्शाते हैं? तो अब हम मान लेते हैं कि इस परमाणु से कितना इलेक्ट्रॉन गया हमें पता तो है नहीं, कि एक दो गया, यहां तो मैंने एग्जांपल के तौर पर माना था ना, एक दो गया हमें पता नहीं था। तो हम मान लेते हैं कि यन इलेक्ट्रॉन गया बाहर, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं यन है, और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम ई से या एक घात माइनस दर्शाते हैं, मतलब एक पावर ई के ऊपर माइनस चिन्ह लगा देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो मान लेते हैं कि एक पैकेट है, एक पैकेट में 10 पेन है, एक पेन का मूल्य मैंने कहा 5 रुपए है, तो पैकेट में 10 पेन है तो 10 पेनों का मूल्य कितना बताओगे? हाँ मुझे पता है, 5 × 50 किए ना, तुरंत गुणा करवाया, अरे इसमें आगे हो तुम सब जान रहे, आसान है बता दोगे। तो देखो आपने क्या किया,
एक पेन का मूल्य कितना था? 5 रुपए था। आप कि जो पैकेट थी उस पैकेट में 10 पेन थी, 5 का आपने अंदर गुणा करवा दिया। तो सोचो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो पता नहीं कितना इलेक्ट्रॉन बाहर गया, जितना इलेक्ट्रॉन बाहर गया अब उसमें अगर आप ई का गुणा करवा देंगे तो जितना इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, यानी कि बाहर गया, जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो उस पर प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो प्रोटॉन महान हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आया तो माइनस हो गया। अब बाहर कितना गया अंदर कितना आया पता नहीं है, तो ई के साथ क्या किए, एन का गुणा कर दिए, तो क्यू बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस एन ई। बात समझ में आ गई होगी ना, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई कहां से होता है, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो कितना जा रहा है पता नहीं, तो एन का गुणा कर दिए, और इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है कितना आ रहा है पता नहीं है, तो एन का गुणा कर दिए इलेक्ट्रॉन में, तो अगर अंदर आएगा तो माइनस चिन्ह लिखेंगे, अगर बाहर जाएगा तो प्लस चिन्ह लिखेंगे। तो बात समझ में आ रही ना, तो क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई कहां से होता है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो वैद्युत आवेश क्या है आप इसको समझ लीजिए, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई कहां से होता है आप इसको भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इसको आप फेयर कॉपी बना लीजिए और इसको आप बढ़िया से इसको प्रिपेयर कीजिए, नोट्स आप कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद जो है मैं पीडीएफ डालता रहूंगा, जो है हर एक चैप्टर का पीडीएफ पड़ेगा, लेकिन आप बेटा पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम मेहनत करके पढ़ा रहे हैं तो आप अगर मेरे साथ मेहनत नहीं करेंगे तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो मैं चाहे जितना अच्छा पढ़ा दूं, चाहे जितना अच्छा आपको समझा दूं, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। एक साल पढ़ लोगे, टीचर आपको केवल एग्जाम में नंबर दिला सकता है, ठीक है। आपको अगर जीवन में कुछ करना, अपने भविष्य में कुछ करना है ना, तो खुद से मेहनत करना सीखो, ठीक है ना। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं, तो ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आगे हम सब कल फिर मुलाकात करेंगे, जो है बेस्ट ऑफ लक बच्चों, बढ़िया से मेहनत कीजिए।